हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस अवेयर्स वर्ल्ड। आप सबका हमारी एक नई वीडियो में बहुत 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 खुश आमदीद है। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ावियार की शॉपिंग, जो कि है वो कुछ हमने ऑनलाइन की और कुछ हमने खुद जाकर बाई की है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी नवंबर है और दराज पे जो है 11/11 की सेल लगी हुई है, तो अब मैंने जो है वो ज़ावियार के लिए कुछ चीज़ें जो ऑर्डर की थी वो दराज से की थी, कुछ जो है वो मैंने चेज़ वैल्यू से की थी और कुछ हमने जाकर चेज़ अप से की थी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ावियार के कुछ कलेक्शंस जो ऑनलाइन बाई की हैं हमने। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो है वो ये मदर बैग है, जो कि मैंने अभी न्यू लिया है। पुराना वाला आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने अपने व्हाट्स इन माई बेबी बैग वाली जो वीडियो थी, जो मैंने अपने बेबी बैग में चीज़ें रखी थी उसमें था। उसमें मैंने जो है वो बैग था वो दूसरा था। उसको तकरीबन 1 ईयर हो गया है ज़ावियार जो है वो जब न्यू बॉर्न थे जब से वो बैग यूज़ कर रही थी, तो वो अब जो है काफ़ी पुराना हो गया था, तो मुझे वो चेंज करना था। तो हमने ले लिया है कुछ इस तरीके से बैग, ये वाला। ये बैग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं रखी, न्यू है तो इसलिए वो इस तरीके का लग रहा है। वैसे इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसके जो है वो आगे वाले पोर्शन में जो है इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें जो है हम फीडर्स वगैरह रख सकते हैं बच्चों की। ये देखें इस तरीके से, और इसकी एक जिप इस तरीके से ये ओपन होता है, और इसमें जो है वो अच्छा खासा स्पेस है अंदर। अभी तो इसमें फालतू कचरा भरा हुआ है ताकि वो दब ना जाए इसलिए। और इसके पॉकेट्स वगैरह हैं अंदर भी, आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के डायपर्स वगैरह हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, वाइप्स हो गए, हर चीज़ के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। और इसको हम दो तरीके से उठा सकते हैं, इसको बैकपैक की तरह हैंग भी कर सकते हैं और अब इस तरीके से इसके हैंडल से भी उठा सकते हैं। और ये जो है वो मैंने परचेस किया था चेजअप से, और इसकी प्राइस समथिंग 3299, यानी 3300 का मुझे ये बैग पड़ा है। इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये शर्ट थी ज़ावियार की, ये भी मैंने बाय की है शेजब से ही बाय की है, और इसकी प्राइस है 599, ये भी 600 की है। ये बेसिकली ये जो शर्ट है मैंने इसलिए बाय की थी कि ज़ावियार के जो मामू हैं उन्होंने ज़ावियार के लिए दो पैंट लेकर आए थे, जीन्स की पैंट थी, तो मुझे उस पर जो है वो मैचिंग के शर्ट्स चाहिए थी, इसलिए मैंने एक ये वाली जो है वो वहाँ से बाय की। दूसरी जो मैंने शर्ट ऑर्डर की थी ये मैंने की थी चेज़ वैल्यू से। इसका जो है वो कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ओवरऑल इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब तक जो है वो ज़ावियार ने इस तरह का कलर वेयर भी नहीं किया है, तो मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये मैंने ऑर्डर किया था चेज़ वैल्यू से और इसकी प्राइस है 499। कैमरा में शायद ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, ब्लर सा हो रहा है। ये पैंट्स थी, एक ये ब्लू पैंट थी जो ज़ावियार के मामू उसके लिए लाए थे, और एक जो है वो ये जीन्स की इसी साइज में जो ब्लैक पैंट थी। तो इन दोनों पैंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने ये दोनों शर्ट्स ली थी, ताकि जो है वो पैर कंप्लीट हो जाए। अब इसको मैं लगा लूँगी इस ब्लैक वाली के साथ। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया एक, और इस वाली पैंट के साथ मैं लगा लूँगी ये रेड वाली शर्ट। तो जो है वो ये एक ये पैर बन गया ज़ावियार के, जो है वो सूट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है ये भी जो शर्ट है वो ज़ावियार के मामू ने लाए थे उसके लिए, तो ये तो मुझे थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा लगा, जो अभी ज़ावियार को नहीं होगा।
तो इसलिए वो मैंने दूसरी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि ये तो जब ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाएंगे, चलना शुरू कर देंगे तो फिर ही होंगी। उसके बाद जो है मैंने ये शॉर्ट्स, ये भी ऑर्डर किए थे मैंने, ये भी मैंने चेज वैल्यू से ही ऑर्डर किए थे। ये दो शॉर्ट्स जो थे वो कैजुअल वेयर के लिए ज़्यादा के काम आ जाता है, और इसकी प्राइस भी 2200 है, एक की प्राइस ईच 200। उसके बाद जो है वो ये दो कैप्स है गर्म वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी हैं, और ये जो है वो ज़ाव्यार के बाबा लेकर आए हैं ज़ाव्यार के लिए। सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तो ज़ाव्यार के पास बहुत सारी कैप्स हैं, लेकिन जो है वो कुछ कलर्स मुझे चाहिए थे जो कैप्स में नहीं थे, तो वो ये कलर थे ग्रे ब्राउन, क्योंकि ज़ाव्यार के पास ये ऐसे कलर्स हैं जो हर कपड़ों के साथ वैसे तो चल जाते हैं, और ज़ाव्यार के पास अक्सर ही जो गर्म कपड़े हैं सर्दियों के वो इन कलर्स में हैं। तो ये दो कैप्स थी, ऐसे सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म कैप्स वगैरह बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ड्रेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के ड्रेस के साथ मैचिंग होनी चाहिए हर चीज़। मतलब ड्रेस किसी और कलर का है और किसी और कलर की कैप, तो ये सब अच्छा नहीं लगता, मैचिंग मैचिंग होता है तो बच्चों पर अच्छा लगता है और वो बच्चे पहने में भी अच्छे लगता है। उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक ये कैप थी, ये भी हमने चीज़ से बाई की है, और इसकी प्राइस है 799। इस कैप की मुझे बहुत ज़्यादा तलाश थी, ये मैंने दराज पे बहुत सारी देखी लेकिन मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ पढ़े, उसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कोई कह रहा था कि बहुत अच्छी हैं, अच्छी रिसीव हुई हैं, कोई कह रहा है कि कैप तो अच्छी है लेकिन कलर जो हमने ऑर्डर किया था वैसे ही नहीं आए, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। तो मैंने कहा कि जब मैं जाऊंगी तो मैं ये कैप खुद जा कर देख कर ही लूँगी, क्योंकि मैं ऐसे किसी पर बिलीव नहीं कर सकती। बाज़ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं उनसे चीज़ें अच्छी आ जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप देखते क्या हो, मिलता क्या है, और मेरे साथ हो चुका है तो रिस्क नहीं लेती मैं। रिव्यूज़ जिस चीज़ के अच्छे होते हैं वो चीज़ ज़रूर ऑर्डर कर देते हैं, जिसके रिव्यूज़ थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं तो वो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं करती मैं। और ये जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये इसको तो है पॉम पॉम कैप्स कहते हैं, वार्म कैप, और ज़ाव्यार ने ये वेयर की थी तो बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा था, मैंने इसको ट्राई करवाई थी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इस तरीके की चीज़ों में ना बच्चे ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और सर्दियों के कपड़ों में तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा टैडी टैडी टाइप और बबलू बबलू से लगते हैं क्यूट। और ये भी न्यू है, और ये मैंने बाय नहीं किया, ये ज़ाव्यार की नानी उसके लिए लेकर आई थी, और बेसिकली ये नाइट ड्रेस है, मैंने ज़ाव्यार को अब तक पहनाया नहीं क्योंकि हमारे यहाँ मौसम थोड़ा ऐसा था कि गर्मी भी थी सर्दी भी थी, तो इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सर्दियों वाला था तो मैंने रख दिया था, लेकिन अब जो है वो सर्दियाँ आ गई हैं तो फाइनली अब ये ज़ाव्यार को मैं वेयर करवा दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों पर इस तरीके के नाइट ड्रेस। तो ये थी ज़ाव्यार की कुछ शॉपिंग जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और हाँ, एक बात और, जो मैंने ऑर्डर किया था दराज से ही किया था और ट्राईपोड किया था, जिस पर मैं अभी मोबाइल मैंने फ़िक्स किया हुआ है और मैं उससे वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत 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 बेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड। 11/11 की सेल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, आई थिंक ये मुझे 500 का पड़ा था, विद डिलीवरी ये मुझे 650 तक का पड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत रीज़नेबल है। वैसे आप अगर विदाउट सेल ट्राईपॉड वगैरह लेते हो तो वो जो है वो 800, 900, 1000 और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है फिर डिलीवरी के साथ आपको, लेकिन 11/11 की सेल में मुझे ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में पड़ गया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर वक्त तो आपके साथ कोई वीडियो नहीं बना सकता, ना हर वक्त आपके घर में कोई अवेलेबल होता है कि आपकी जो है वो वीडियोज़ बनाता रहे और कैमरा जो है वो लेके खड़ा रहे। चलो अगर कोई है भी तो वो फिर उस तरीके से आपकी वीडियो नहीं बनती है, अक्सर जो है वो फ़ोन शेक हो रहा होता है, हाथ हिल रहा होता है, क्योंकि इंसान है ज़ाहिर सी बात है, इतनी देर तक आप एक जगह पर खड़े रहो तो नहीं खड़े रह सकते हो, स्टैचू नहीं है, रोबोट नहीं है, हाथ हिल ही जाता है। लेकिन स्टैंड और ट्राइपॉड वगैरह ऐसी चीज़ें कि हम कहीं भी सेफली उसमें अपना मोबाइल लगा सकते हैं, ना मोबाइल के गिरने का डर ना टूटने का डर, बिला झिझक अब अपना मोबाइल लगा दो
स्टैंड पर और उसको कहीं भी आप ऐसे सेफ जगह पर रख दो तो फिर इजीली आप अपनी वीडियो बना सकते हो। इस वक्त जो है वो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी ये वीडियो बनाने में, वरना जो है वो मैं अक्सर किसी न किसी की हेल्प ले ही लेती थी कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना दें, प्लीज़ मैं जो व्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप ये रिकॉर्ड कर दें। लेकिन अब मैं ये ख़ुद से भी कर सकती हूँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की। इसकी भी वीडियो मैं आप लोग के साथ एडिट कर दूँगी। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, जब पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैं इसके साथ एडिट कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा ब्लॉग था यहीं तक। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ज़ावियर की शॉपिंग। कुछ भी करते हैं हमें अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ आप लोग भी सिर्फ देखिएगा मत, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग क्या करते हैं, मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो तो बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है वो एफर्ट लगाकर एक लाइक दबा दें। उससे कुछ नहीं होगा, हमें ये होगा कि हमें फ़ायदा होता है। हम इतने प्यार से आपके साथ वीडियो बनाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आप लोग भी इतना कर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।